साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने आज सुबह 144 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह समेत सभी प्रमुख नेता चुनाव मैदान में उतरे हैं। सूची में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है, हालांकि पिछोर से केपी सिंह का टिकट बदलकर शिवपुरी से चुनाव में उतारा है। कांग्रेस की पहली सूची में 47 सीटों पर असामान्य वर्ग के प्रत्याशी, 39 सीटों पर ओबीसी, अनुसूचित जाति 22, जनजाति सीटों पर 30 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समाज से 5 नेता एवं 1 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है। सूची में 19 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद नाराजगी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद हो रहे विरोध को लेकर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी प्रवक्ताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कमलनाथ का सर्वे साफ, दिल्ली और दिग्गी की छाप। कांग्रेस पार्टी की आज जो सूची जारी हुई है वो पूरी तरीके से परिवारवाद, महिला अपराध, अत्याचार, अपराधियों, भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। उस लिस्ट में उमंग सिंगार, सुरेश राजे और डब्बू कुशवा जैसे लोग हैं जो महिला अपराध के प्रति भिन्न भिन्न अपराधों में आरोपित हैं, जिनके खिलाफ जिनके वीडियो सोशल मीडिया वायरल है। और स्थिति यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को भी टिकट दिया गया है जिनकी भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं है। दिग्विजय सिंह के पूरे परिवार को टिकट है, भाई को, भतीजे को, बेटे को, भांजे दामाद को। कमलनाथ जी मुश्किल से अपना टिकट करा पाए, पूरी सूची गुटबाजी से ग्रस्त है। कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें करते थे पर उनकी एक नहीं चली और दिल्ली दरबार और दिग्विजय सिंह ने उनकी पूरी सूची को किनारे कर दिया और सूची जारी हुई। और रणदीप सुरजेवाला जी के शब्दों में, कांग्रेस पार्टी में जूते बजना शुरू हो गए, इस्तीफे के दौर शुरू हो गए। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं मारकाट की सूचना है, कहीं विरोध प्रदर्शन की सूचना है और त्याग पत्र का दौर शुरू हो गया। और आज तो रविवार है, धारा 144 आज लगी है, कल देखिए आगे कांग्रेस में क्या होता है। कांग्रेस की प्रथम सूची से एक बात तो तय हो गई है कि दिग्विजय सिंह जी का बेटा, दिग्विजय सिंह जी का भाई, दिग्विजय सिंह जी के करीबी और दिग्विजय सिंह जी के समर्थकों को जिस प्रकार से टिकट मिली है, श्री कमलनाथ केवल अपने लिए एक छिंदवाड़ा से टिकट कबाड़ पाए हैं। और जिस प्रकार से पहली सूची ही 144 की है, लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इमरजेंसी का दौर शुरू।